नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबको स्वागत करते हैं इस नए व्लॉग पर। और आज हम लोग जा रहे हैं तालाब के और मिट्टी खोदने के लिए, मतलब मिट्टी जहाँ से खोदना है उसको देखने के लिए, और ईटा कैसे बना रहे हैं वहाँ के लोग, ये सब मिट्टी से वो सब दिखाने वाला हूँ आज के इस ब्लॉग पर। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, मेरे साथ बने रहिए वीडियो पर अंत तक। छत पे रहने वाले लोग थोड़ा ध्यान देना। ये छोटा तालाब हमारे यहाँ ईटा ऐसे बनाया जाता है और इसे बिना पकाए हम लोग घर बना लेते हैं। दोस्तों देख लीजिए, बिना पकाए इससे हम लोग घर बनाते हैं, उसको हम लोग कच्चा घर बोलते हैं। ये ईटा बनाते हैं हम लोग ऐसा, ये रहा ऐसे, कच्चा घर बनता है इससे। हेलो, साफ यहाँ अभी तो फरवरी घुस गया है दोस्तों, जब हम लोग का मार्च घुसेगा ना। हाँ ख़त्म हो गया है, हमको भी पता है, लेकिन ये देखने वाले लोगों को थोड़ी पता है कि हम वीडियो कब बना रहे हैं। जस्ट जोकिंग यार, कभी भी मेरा वीडियो पर टांग अड़ाती रहती हो, बनाने दो। तो दोस्तों अभी तो घुस गया है ना, अभी सब ईंटा बनाने लगे हैं, हम लोग भी बनाएंगे, कच्चा घर बनाएंगे। यही वाला यहाँ से हम लोग ने, देखो दोस्तों हम लोग का देसी भट्टा ऐसा, शायद अमीर लोग नहीं बनाते होंगे, अमीर लोग को काहे बनाएंगे, वो लोग तो खरीदना है ना, उनके पास तो पैसा वैसा है, हमारे पास पैसा वैसा थोड़ी रहता है, हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं दोस्तों। जो मेहनत करते हैं ऐसे ईटा बनाते हैं वो मुझे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, नहीं तो कुछ भी नहीं करें, है ना। ये रहा ईटा, कम से कम 2 किलो आएगा इसमें, 2 किलो, 2 किलो से अधिक ही आ सकता है। बहुत मेहनत करना होता है, मट्टी बिगाओ, फिर उसको पैर से दबाओ, गूंदो आटा जैसे, उसके बाद बनाओ। कैसे बन रहा है दिखा देता हूँ आप लोग, जो रेडीमेड जो अभी मिलता है ईटा पका वाला वो अलग है, यहाँ अलग बनता है। ठीक है, वीडियो ना आया वहीं पे, ये रहा लगा दिया है इसको, देखिए अब यहाँ मिट्टी डालेंगे, मिट्टी ये डाला, मिट्टी रहा, इसको दबाना है, दबा दबा के बनाना है। देखिए कैसे कर रहे हैं, देखा आस्ते से निकालना है, हड़बड़ी से निकालोगे तो टूट जाए, फिर धोना भी है, ऐसे धो के फिर लगाना है, बिना धोए तो चिपक जाएगा। यहाँ कोई बालू वगैरह नहीं डालना, देखिए फिर लगा लिया है ऐसे करके, और जब ये सूख जाता है ना, सूख जाता है तो फिर इसको फिर छीलना भी होता है, सूखने के बाद छीलना होता है, और एक मामा है वो छील रहा है। दोस्तों ऐसे बनता है, और आप लोग ऐसे ही बोलते हैं, मेहनत है। देखिए यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं आप सबको कैसे, सूखने के बाद छीलना भी पड़ता है, साइड साइड। देखिए अच्छा से दिखा देंगे, उकाड़ लिया, अब ये साइड साइड पूरा डालना है, ये ऐसे छीलना पड़ता है।
अब जितना मिट्टी है आता तो मिट्टी चल जा रहा है, इससे काफ़ी मेहनत है, ऐसा ही नहीं बना रहे हैं। फिर इसको सूखने के लिए ऐसे खड़ा किया जाता है, फिर देख लीजिए ये रहा। ऐसे छीलना है तो इसमें बहुत मिट्टी जाता है दोस्तों, बहुत मिट्टी जाता है, बहुत मिट्टी। ऐसे बनाते हैं हम लोग, कल परसों से हम लोग भी बनाना शुरू कर देंगे अंजलि के साथ में, और कम से कम 2000 से अधिक ही बनाना है, देखते हैं कितना होता है। हम लोग में तो उतना ताकत है नहीं, इन लोग के जैसे इन लोग तो बनाते रहते हैं। देखिए हम लोग जगह देखने आए थे अंजलि के साथ में, अब जाएंगे घर तरफ। बताइएगा आप लोगों की तरफ कैसे बनता है, या आपने कभी देखा होगा ऐसे बनते हुए, तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। यह रहा बड़बिल तालाब, सरायकेला का बड़बिल तालाब, उड़ीसा में भी एक बड़बिल है। बहुत कोई कंफ्यूज हो जाता है नहीं भैया, बहुत कोई कंफ्यूज हो जाता है दूसरा तरफ है बोलते हैं, लेकिन ये दूसरा तरफ नहीं है, ये बड़बिल वाला है, सरायकेला बड़बिल है, केंदुपुसी है। तो लाइक और कमेंट नहीं बोलना है, बार बार बता रहे हैं दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करेंगे तब जाके हम लोग कुछ कर पाएंगे। गरीब बॉय नहीं है हम लोग, खाते पीते करके हैं।